Assalamu alaikum everyone. Welcome to the online session of clinical examination for FCPS Cardiology 2020. My name is Dr. Haseeb Raza and I am working as Cardiac Electrophysiology Fellow at the National Institute of Cardiovascular Diseases, Karachi. Today, the topic of discussion is short case of TOF. It is a very important topic. And for this discussion, I have invited a young speaker. His name is Dr. Taimur Ahmed. Dr. Taimur is FCPS Cardiology, and he is currently working as Senior Registrar at the Punjab Institute of Cardiology, Lahore. Assalamu alaikum, Dr. Taimur. How are you? Wa alaikum assalam, Haseeb bhai. Kya hal hai aapka? Aur assalamu alaikum sabko. Welcome, Salaam. Thank you so much. Main bilkul theek hoon. Taimur, bahut bahut shukriya. I know you have been suffering and you were basically ill for last few days. Lekin phir bhi tumne himmat mari hai apne jo na bhaiyon aur behnon ka khayal karte hue. Nahi nahi, ye bahut zaruri tha ki ye jo aap jis tarah aapne khayal kiya is tarah aage forward karna, it's a legacy. Everyone must follow that. I would recommend, highly recommend that. Jo bhi jisko aata hai wo forward kar de, it helps a lot. I agree with you. So Dr. Taimur, I will request you to set your presentation, and meanwhile I will request my participants, if you have any question which is related to the short case of TOF, please ask your questions and list it down in the question and answer panel, and I will take your questions at the end of the talk of Dr. Taimur. So, Dr. Taimur, the mic is over to you. You can start your presentation, please. Okay. Assalamu alaikum, ji. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today, we are going to talk about tetralogy of ferret, specifically directed towards short case scenario. सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो पैटर्न है, मतलब मैं कुछ भी अगर आपको बता रहा हूँ तो वो किस पैटर्न पे होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि एक शॉर्ट केस जो है वो ऑरा क्या है उसका, आखिर क्या वजह है कि सबसे डर इसी से लगता है. मतलब आपको पता होता है शॉर्ट केस आने वाला है तो जान निकली होती है कि यार शॉर्ट केस कौन करेगा. अब उसकी लॉजिक्स में आपको समझाता हूँ कि पहले करना क्या है. सबसे पहले तो आप लोग एक बात का ख्याल रखें कि एक शॉर्ट केस का तो वैसे ही मार्जिन है, और जो माशाल्लाह सिस्टम है ना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे सारे, दैट इज वेरी गुड. मतलब आप एक रूम में पांच एग्जामिनर्स का सेट होगा, पांच स्टेशन होंगे, आपने उनमें से चार को मूव करना है, और उनमें से यूजुअली जो दो टफ एग्जामिनर है ना, दो वो यूजुअली फर्स्ट और फिफ्थ पे होते हैं. मतलब एक अगर आपका कैंडिडेट है ना, जैसे मैं हूं, तो मैं दोनों के पास ही जाऊंगा. दैट इज ए वेरी गुड कंडीशन. मतलब एक टफ के पास मैं जाऊंगा तो मेंटली अपने आप को पहले ये रखेंगे, अगर फर्स्ट ग्रेड पहला टफ आ गया या दूसरा टफ आ गया तो अपने आप को इतना जोर रखें कि आप जो है अगले एग्जामिनर्स आपको आसान ही मिलेंगे. एग्जामिनर्स रिलेटेड एक तो ये बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात ये थी कि एक हमेशा सीनियर के साथ एक थोड़ा सा जूनियर एग्जामिनर बैठा होता है, और वो देखा जाए ना तो वो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बिठाए गए होते हैं, यानी कि हम लोगों के लिए, कि वो क्या कर रहा होता है कि वो सवाल कम करेगा, सवाल सीनियर ही ज्यादा करेगा आपसे. लेकिन फायदेमंद बात क्या होगी, जो आप जवाब दे रहे होंगे ना, आप उसकी नोशंस और उसके इमोशंस को चेहरा देख के पिक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है. वो आपको गाइड कर रहा होगा, अगर सारे नॉट करेगा इसका मतलब आपका जवाब ठीक है, या जब आप कहीं फंस रहे हैं तो आप उसका देखेंगे, तो दैट विल हेल्प अ लॉट. तो एग्जामिनर्स लेट तो पहले ये बताना चाहिए आपको कि ये क्या होना. दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट, कि छक्के चौके नहीं मारने, मतलब आता भी है तो नहीं मार. इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि आप जो है ना कोई भी बड़ा नाम ना लेवा जाके, मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट है, तो आपको अगर साथ कोई एएसडी या कुछ मिल गया तो आप पेंटोलॉजी के नाम से उसको प्रेजेंट कर दें, मतलब मैं नंबर ले लूँ. या कोई चीज फर्ज करें, एग्जांपल ये है कि आप एंजियोग्राफी कर रहे हैं और एनजीओ की सीडी पढ़ रहे हैं, तो बजाय ऐसे कि आप एनजीओ पढ़े आप बीच में शुरू हो गए जूट गेन लेफ्ट कैथेटर या एन जो आपका है एन टी आर कैथेटर या कोई भी कैथेटर का नाम ले लिया आपने, वो ना लें. वो एग्जामिनर वहीं रुक जाता है, उसका हाल क्या, आप सुकून से चले मिनिमम उसको बताएं. ये दूसरा पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पांच नंबर है ना एक फर्स्ट ग्रेड सेशन के, तो खुदा के वास्ते पांच नंबर नहीं लेने. आपने दो नंबर एग्जामिनर को दे देने ताकि उसको फील हो कि भाई मैं सुपीरियर हूं, या मुझे ज्यादा आता है, या आपको काम आता है, या आप थोड़े पैनिक माहौल में, जो भी वो सिनेरियो बनता है.
एग्जाम्पल सीधी सी है कि आपने क्या करना है कि आप फर्स्ट करिए, आप बहुत कॉमनली आपको आएगा कि मतलब एक ही पेशेंट के अंदर अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि मर्ज बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब आप वहां प्रेजेंट करना शुरू हुए हैं, आपके पास प्रेजेंट करने के लिए 5 मिनट है सर, 5 मिनट के अंदर सारा आपका वाइवा भी होना है, आपकी प्रेजेंटेशन भी होनी। अब आप शुरू हो गए जी चारों मामले एक्सप्लेन करना, तो पीछे एक तो सवालों का कोई टाइम नहीं बचा, दूसरा एग्जामिनर कह रहे हैं ये क्या बात है भाई, आप दो मोटे मोटे बताए बस, एक बता दें कोई माइटल एक बता दें बस, प्राइमरी डायग्नोसिस सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक है जी, जो बाकी दो फर्ज के नहीं पे किए नंबर काट लेगा ना ज्यादा से ज्यादा, फेल नहीं करेगा आपको कोई भी। लेकिन अगर आप इसके दौरान क्वेश्चन आंसर का टाइम खत्म कर देंगे ना, तो फिर आप फेल हो सकते हैं, ये बात। तीसरी बात देखिए, एक एनोनमस बंदे की तरह जाना है बिल्कुल, जैसे आपको कोई जान पहचान नहीं है और एक आप फ्लो में आए और फ्लो में निकल गए, कोई चीज रिमार्केबल नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब कि आप कहीं आम आ जाके अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर आपका, मैं बैठ जाऊं मैं खड़ा, मतलब एवं आप उनके टेंशन गेन कर रहे हैं। जितनी आप अटेंशन गेन करेंगे उतने ज्यादा सवाल आते होंगे आपसे और उतना ही लेवल उसका ऊपर होगा, ठीक है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसपे मतलब हर बंदा इस वैर साहब भी जो भी वहां पे आपका कोऑर्डिनेटर सारे होंगे, वो सब आपको पहले भी ये समझाएंगे बात, एग्जामिनेशन में टाइम लें, कोई आपको ये नहीं कहना हर एक में रेलिवेंट करना, चारों स्टेशन में आपने रेलिवेंट करना ही करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर कहूंगा कि चारों स्टेशन जो आपको होंगे आपने उसमें रेलिवेंट लाजमी करना है सारों में, आपने बोलना है कि नहीं बोलना, वो आपकी जो क्वेश्चन आंसर वहां टेप लगी होगी स्टिकर के साथ कि एग्जामिनर प्री रिकॉर्डेड डू द रेलिवेंट, तब आपने बताना रेलिवेंट, वरना रेलिवेंट नहीं बोलना, लेकिन करना जरूर है स्पेसिफिकली, बार बार मैं कह रहा हूं आपने वहां पे, वरना आप जब शॉर्ट केस कर रहे होंगे ना आप नोट करेंगे, आप पहला कहेंगे 2 मिनट में आप करके आप खड़े होंगे मैं करूं क्या, कंपाइल करने के लिए 1 मिनट बहुत होगा मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने कोशिश करनी कि मुझे 2 मिनट वेस्ट आपने खड़ा होना ना, जिसमें एग्जामिनर मजीद तपेगा और वो सोचेगा उस वक्त बैठा हुआ कि इसने क्या क्या नहीं किया, जो आपसे पहले वो पूछेगा बेटा आपने ये भी नहीं किया, बेटा आपने ये कर लिया था, तो आपने पूरा 4 मिनट कोशिश करनी है प्रैक्टिस हिसाब से करेंगे, 4 मिनट में मैंने रेलिवेंट भी कर देना, छोटा मोटा जितना भी 2-3 रेलिवेंट कर रहे हैं इनफ, मतलब अगले बंदे को पता चल जाएगा कि आपको आता है, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, मैंने जो नोट कर रहा हूं, जो हम इसकी प्रैक्टिस स्पेसिफिकली करते थे कि प्रेजेंट करते हुए आप पेशेंट की तरफ देख रहे हैं, आप समझेंगे पेशेंट के आगे पर्दा आ गया, आपका मुंह पीछे ना मुड़े, बस आपका मुंह पीछे मुड़ेगा एग्जामिनर ने आपको हूं करके शुरू हो जाना करना कि हूं, ताकि आप मेरी तरफ नोट करें, तो एक ये पॉइंट जरूर ध्यान से रखना। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अभी हर बंदा जो भी बंदा है वो अपना एक ऑस्कल्टेशन प्रेजेंट करने का पैराग्राफ बना रहा है जिसमें 6 से 7 एक्लेट्स हो मर्मर के, ठीक है, कि ये मर्मर की जो स्पेसिफिक बातें ये मैंने बोलनी है और इसी पैटर्न पे बोलनी, मर्मर चेंज हो जाए उसकी चीजें चेंज, उसी लफ्ज को चेंज करूंगा मैं, कोशिश करूंगा अपना जो मैं बताया हुआ पैराग्राफ जो मैंने बनाया वो भी मैं आपको उसी तरह बताऊं अभी, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, आपने 1-4 मिनट कम से कम बार हाल में बचाने, आप स्मूथ अंदाज में बोल रहे हैं ऑस्कल्टेशन फ्ला ब्ला 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 जी, वो आपसे अगला सवाल में लगे पूछे जी व्हाट इज योर डायग्नोसिस आप बताएं, उसके बाद आपका वाइवा शुरू हो जाए, 3.5-4 मिनट आपके पास हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब दिस इज सो इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो मैंने लोग ऐसे भी पास होते देखे हैं कि वो MS को ASD बना के भी पास होंगे, वो सिर्फ ASD पे ही बोलते रहे, क्योंकि उसने टाइम दे दिया एग्जामिनर से क्वेश्चन आंसर करने। सब नेक्स्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ये वही बात है जो जूनियर एग्जामिनर क्यों बैठा हुआ आपके पास, आप कुछ भी बोल रहे होंगे अगर आपको एग्जामिनर बीच में कहे कि बेटा वाकई ऐसे था, उसी वक्त रुक जाए, दोबारा 1 सेकंड ले लें कि वाकई था नहीं था, या वो कह रहा है कि ऐसे नहीं है ऐसे है और आप ये बोल रहे हैं कि आप वाकई ऐसे, तो आप बोलोगे नहीं सर सॉरी आई कुड नॉट अप्रिशिएट दैट प्रॉपरली, तो इसकी वजह से आप जो कह रहे हैं ऐसे ही होगा, मैं सही तरह से पिक नहीं कर, क्योंकि वो आपकी हेल्प करने बैठे हैं, कोई भी एग्जामिनर वहां से झूठ नहीं बोल रहा होगा, कोई भी आपसे गेम नहीं खेल रहा होगा कि आपको मजाक हो रहा, बड़ा सीरियस और अच्छा माहौल होता है, जैसे ही आप गलती करते हैं छोटा सा साथ जो जूनियर एग्जामिनर से बैठा होता है वो फौरन करेगा या आपसे देखेंगे तो ऐसे नॉट करेगा कि नहीं यार ये नहीं है तुम फिर सोच लो दोबारा बोल लो, फौरन ये क्लू पिक करें, आप एक ये क्लू मिस कर गए ना तो आगे फिर वाइवा सारा खींच हो जाता। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर आपको वो सवाल का जवाब नहीं आता उसी वक्त सॉरी कह दें, उसी वक्त डो नॉट वेस्ट योर टाइम, आपने 5 सवाल उसने पूछे आपने उसमें से 2 कड़क जवाब दिए 100% ओके, आपके लिए फिर मसला बन जाएगा, यही आप अगर उसको 10 सवाल पूछे देंगे उसमें से आप 5 गलत करेंगे 5 जवाब टूटे फूटे भी देंगे तो सवाल ज्यादा होंगे उतने ही चांस ज्यादा है पास होंगे,
तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं मैंने स्पेसिफिकली नोट की है कि यकीन करें तैयारी एक तरफ है और ये बातें एक तरफ है। बहुत ज्यादा लोगों को आता है, बहुत ज्यादा, लेकिन लोग हमेशा इसी बात से फंस जाते हैं कि वो इन बातों पे भी टिप्स में बने करते हैं, बेसिक टिप्स पे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट स्टार्ट विद टॉफ। अच्छा, टॉफ को जेन में रखने के लिए पहली बात ये है कि आप इस तरह एक पिक्चर को अपने जेन में रख लें, आप थ्रू एंड थ्रू टॉफ को जेन में रखेंगे, मतलब आपके फौरन जेन में आ जाएगा। एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन थी टॉफ की, जस्ट लाइक यू सी इट्स अ ब्रूट शेप हार्ट होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, ओवर राइडिंग एओर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, इनफंडिबुलर स्टेनोसिस होगी। याद रखिएगा 10% ओनली जिसमें वैल्व इन्वॉल्व होता, वरना यूजली वैल्व मैक्सिमम केसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। इनफंडिबुलर आरवीओटी की स्टेनोसिस होती है और ये आरवीओटी की हाइपरट्रॉफी। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज, 1 in 3,000 लाइव बर्थ्स में होती है और द मोस्ट कॉमन रिक्वायर्ड सर्जिकल करेक्शन इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ। टॉफ इज ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ कोनस रिजल्टिंग फ्रॉम एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोनोट्रंकल सेप्टम। जस्ट रैंडम सी बात है, कोई करने की जरूरत नहीं आपको, बस एक वैसी गुजर जाए दिमाग से कि क्या हो रहा है। आपको ये वीएसडी पड़ा हुआ है, इनफंडिबुलर स्टेनोसिस है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा है, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा पे बार बार फोकस कर रहे हैं, सब पैथोलॉजी सब सिस्टम चलेगा आपको स्टेनोसिस और वीएसडी से, लेकिन जब आप वाइवा की तरफ जाएंगे तो ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा के वाइवा क्वेश्चन आपसे होंगे, ये मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। वो ये दो तीन चीजें वहां पे देगा जो हो सकती है, जो वो आपसे पूछते हैं। मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि मेरा एक शॉर्ट केस टॉफ का था, तो मुझे काफी कुछ क्वेश्चन आंसर उसके वहां पे पता थे, मैं उसको साथ साथ लेके डिस्कस करता हूँ वचन आपके साथ, ठीक है। अच्छा, ये भी रैंडम से कुछ बातें जरूर अगर वेर रह जाए तो अच्छी बात है। मोटी मोटी कॉजेज क्या है, हाइडेंटॉइन सिंड्रोम है, कार्बामाइजी पेन है, एल्कोहल है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, ये चार मोटे मोटे जरूर याद रखिएगा। कोई पूछ ले तो पूछ ले, अगर टाइम होगा एग्जामिनर क्वेश्चन आंसर कर देंगे तो वो डेफिनेटली पूछेंगे। अच्छा, पैथोलॉजी में एक दो बातें थी जो मैंने करनी थी कि यूजली वो आपसे कौन सा वीएसडी होता है ये क्वेश्चन होता है, आपने कह रहे हैं पेरी मेम्ब्रेनस होता है और ये काफी बड़ा डिफेक्ट होता है, इतना बड़ा होता है कि यूजली जितना एओर्टा की ओपनिंग है उतना ही वीएसडी का साइज होता है इसके अंदर। और आरवीओटी जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन इनफंडिबुलर स्टेनोसिस होती है 45% और रेयरली पल्मोनरी वैल्व के लेवल पे होती है 10% ओनली। एबनॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में कुछ एक दो बातें, ये मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा होता है कि एसेंशियली द सेम साइज ऑफ एओर्टा होता है। वीएसडी इज सो लार्ज एरिया अबाउट एज एओर्टिक वैल्व, बोथ वेंट्रिकल्स एंड द एओर्टा हैव एसेंशियली द सेम सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये वो क्वेश्चन जो मैंने रेड में किया हुआ है, दैट अगेन वाज द क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था कि अच्छा आप ये कह रहे हैं साइनोसिस एंड क्लबिंग इज वो हर बंदा कहता है, तो व्हाट इज ए साइनोटिक टेक्नोलॉजी, होती भी है कि नहीं होती। तो जब एक तो वही बात है कि जो एग्जामिनर जब ये कह रहे हैं कि होती भी है कि नहीं होती, तो इसका मतलब है कि होती है। मैं फिर कहूंगा एग्जामिनर आपको कह रहा है कि होती भी है कि नहीं, ये ऐसा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है, बस ना में जवाब ना दीजिएगा आपको आता है कि नहीं सॉरी कह लीजिएगा, लेकिन ये ना कीजिएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट, इफ द स्टेनोसिस इज नॉट सिवियर एंड रेजिस्टेंस राइट फ्लो इज नॉट लार्ज, पल्मोनरी फ्लो इतना ज्यादा होता है ट्वाइस होता है यूजली सिस्टोलिक फ्लो से, कि उस क्या जो है ना कि वो एसिनोटिक रहता बन, क्योंकि स्टेनोसिस टाइट नहीं है तो फ्लो बनता रहेगा, तो उस वजह से एसिनोटिक टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट इसको नाम दिया गया। Systolic pressure in the right ventricle cannot exceed that in the ventricular because large VST. Once again, left ventricle से ऊपर pressure नहीं जाएगा right ventricle का, क्योंकि जब भी जाएगा right ventricle ज्यादा होगा तो shunting शुरू हो जाएगी और वो उसको protect कर लेता है, तो इसलिए इसके signs usually foreign नहीं आते। Heart failure is very uncommon. However, the resistance to the pulmonary flow may be increased markedly, causing right to left shunting, arterial desaturation and subsequent polycythemia. That is the simple. अच्छा, ये वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जामिनर ने तकरीबन दो क्वेश्चंस किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने सेपरेट लिख लिए हैं कि एक तो उसने पूछा था कि मोस्ट कॉमनली क्या है, तो रटा नहीं गाना कि पीडीए टॉफ है वीएसडी सब बोल दें, वहां पे आपने एक दो लाइनें बोलने क्रिस्प किस्म की बस, ताकि एग्जामिनर को पता चले इसको आता है, चाहे वो आधा नंबर काट ले कि इसको 10 के 10 नहीं आते, लेकिन दो तीन जबरदस्त किस्म के आपको आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट राइट साइड एओर्टिक आर्च को आपने नहीं बोलना, मोस्ट कॉमन पहले बोलना ही आपने, ये
मैंने चूंकि ये पहले नहीं बोला था, मैंने सेकेंड ईयर में एसडी पेंटोलॉजी शुरू किया था, तो उसने कहा था मुझे कि मोस्ट कॉमन ये होता है, तो मैंने कहा नहीं सर मोस्ट कॉमन तो राइट साइड रोटी जा सकते हैं, तो फिर वो उसने नॉट किया था और आगे चल पड़ा था, तो इट्स बेटर कि आपको ये पता हो, तो राइट साइडेड एओर्टिक आर्च मोस्ट कॉमन है इसके अंदर। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें, आर सी ए से निकलवी होती है, एनोमलस ओरिजिन होता है एलईडी का इसके अंदर, चांस इज 10%। और तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मेरा दूसरा को सवाल हुआ था कि जो आप एसोसिएशन बता रहे हैं उसका थेराप्यूटिक जब हम काम कर रहे हैं तो कोई किसी चीज में खास हमें देखना होता है, ये उसका क्वेश्चन था मेरे से। तो क्वेश्चन उनका ये बड़ा लॉजिक, उसका आंसर ये था कि प्रोमिनेंट कॉनस ब्रांच ऑफ आरसीए क्रॉसिंग आरवीओटी, वंस अगेन फिर मैं दोबारा लाइन, आरवीओटी जो हमारा स्टेनोज हुआ हुआ था उसके अंदर एक बड़ी ब्रांच है कॉनस आरसीए से निकली हुई, तो जब आप आरसीए जो आरवीओटी को खोल रहे होंगे, चाहे आप बैलून वेल वॉट में कर रहे हैं या आप कॉन्डुई डाल रहे हैं, तो आपको ये तो है ना पता कि उसके अंदर है या नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्लास वन रिकमेंडेशन होती है कि आप कॉरोनरी एंजियोकंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं, यानी आप उस एरिया में बैलून फुला के बंद कर देंगे, तो अगर तो पेशेंट को एरिथमिया वगैरह कुछ चलेंगे चले, इसका मतलब है कि वहां पे बड़ी प्रोमिनेंट कॉनस ब्रांच पड़ी हुई है। जब वो बड़ी कॉनस ब्रांच वहां पड़ी है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये सिंपल सा होता है कि आपने वहां पे कुछ डालने से पहले उस ब्रांच का कुछ करना, कॉन्डुई वगैरह या वहां पे कोई भी कट करते हुए वेलवॉटनी करते हुए व्हाटएवर करते हुए उस एरिया को ध्यान रखें, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मेरे से एसोसिएशन के रिलेटेड हुए थे, बाकी एएसडी आपको पता है पेंटोलॉजी बन जाता है और सेकेंडम होता है यूजुअली एएसडी, परसिस्टेंट लेफ्ट एसवीसीए कलर इसकी इंपॉर्टेंट है, तो यूजुअली छोटा याद करें और अच्छा फोकस्ड याद करें। अच्छा अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर चीज जो भी चारों शॉर्ट केस है इसके ऊपर करना, ये अपने दिमाग में बसा लें कि आई पे ए आर चलेगा, इंस्पेक्शन होगी पल्पेशन होगी ऑस्कल्टेशन और रेलिवेंट होगी, इसी तरह प्रेजेंट करेंगे। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे रेलेवेंट मैं फिर याद करा रहा हूँ, रेलेवेंट पूछा गया तो बता दीजिएगा, नहीं पूछा गया तो करना ना भूलिएगा, करना आपने जरूर, इनफ टाइम होता है, मैं फिर कहूंगा इनफ टाइम होता है, आप चाहे पैनिक में हो तब भी इनफ टाइम, टाइम प्राइम वहां गुजरता नहीं है इस चीज के अंदर, तो उसको अच्छा यूटिलाइज कर ले माइंड में, चारों हेडिंग लेके चले कि कैसे करना। तो अब हम एग्जामिनेशन सिर्फ टॉस रिलेटेड कोशिश करेंगे, ब्रॉड नहीं रखेंगे क्या क्या देखना है क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब इंस्पेक्शन में सबसे पहले अगर आपने वहां पे इंस्पेक्शन पे 30 सेकंड नहीं ला दिए तो एग्जामिनर ने पहली तपा होना, मैं वो बार बार ये बात बता रहा हूँ, मॉक में हमारे स्पेसिफिकली हम लोगों ने इसी की ट्रेनिंग करवाई थी कि आप 10 सेकंड भी देखते हो चल पड़ते और बोलते हुए जाके सारे हैं जी कि फुट एंड पे ये हुआ, कि जहां भी आप गए हैं पहले आप सीधा खड़े हैं देखें 10 सेकंड 8-10 सेकंड उसके, ठीक है। उसके बाद आप फुट एंड पे आए 10-15 सेकंड वहां लगाए, फिर आप वापस जाके बेंड ओवर होके कोई मल्टर वेल वॉटनी का स्कार देखें या कोई साइड पे स्कार देखें, ठीक है, तो उसको देखें 10-15 सेकंड बाद, तो 30 सेकंड तो वैसे ही लग जाते हैं। दूसरा इसमें फायदा क्या होता है कि जब आप देख रहे हैं ना तो अगर आप इतना टाइम देंगे तो आप ना चाहते हुए भी अगले बंदे के हाथ के नाखूनों पर नजर पड़ जाएगी, क्लबिंग के लिए पाओ पे देख सकते हैं आप, क्लबिंग के लिए कुछ जेबीपी पे साइन तो नहीं वो देख सकते हैं, जो आपका टाइम बच जाएगा, या जो आपने बात रेलिवेंट में करी थी आपके जहन में पहले ही होगा ये चीजें यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ठीक है। अच्छा अब आपने इस टॉफ के इंस्पेक्शन में यूजुअली क्या देखना है, चेस्ट डिफॉर्मिटी देखनी है सबसे पहले, क्यों देखनी है, क्योंकि इसमें स्कोलियोसिस होने का चांस होता है। विजिबल पल्सेशन आप देख सकते हैं, अब ये इनको इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी मेरे से सवाल हुआ था, इस स्टेशन पे नहीं हुआ था लेकिन ये मेरे से हुआ था लॉन्ग केस के ऊपर, के विजिबल पल्सेशन आप बेटे बोले हैं तो आपने विजिबल पल्सेशन कहाँ कहाँ देखी है, हम सब नेक देख लेते हैं प्रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि एपिगैस्ट्रिक एरिया भी देखना और जनरली एब्डोमिनल एरिया भी देखना है, थिन लेन में अक्सर वहां पे आ रही होती है, तो ये चार बातें आपने जरूर विजिबल पल्सेशन पे इन केस देखना है, तो आपने उसको शो करना है वहां पे कि मैं सब चीजें देख रहा हूँ, पहले मैं नेक की तरफ फोकस करूंगा, फिर मैं एपिगैस्ट्रिक फोकस करूंगा, फिर मैं वहां आपकी नजर 2-2 सेकंड के लिए जाए वो नोट कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली जो थोड़ा ट्रिकी एग्जामिनर है वो तो नोट ही सिर्फ आपकी ये बातें कर रहे होते हैं कि इसने वहां पे परफॉर्मेंस क्या दिया, वो तो वाइवे पर ध्यान ही बहुत कम देते हैं क्योंकि उनके पास अपने फिक्स से क्वेश्चन होते हैं 4-5 मुश्किल से उन्हें रखे होते हैं बचा के, और उन्होंने आपको वहां तक पहुंचने नहीं देना होता, उन्होंने पहले आपसे कहना आपने यहाँ देखा ये तो देखा ही था आपने, ये तो किया ही था आपने, आप बोले, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट बात कि विजिबल स्कार मार्क, ये बड़ी हिंट है क्योंकि टॉफ में ये बहुत बड़ी हिंट है, क्योंकि बीटी शैंट या कुछ भी हुआ होगा तो उसकी स्कार मार्क तो होगा एस्ट्रोनॉट या किसी भी चीज का वहां, तो स्कार मार्क पे फोकस है, चेस्ट डिपार्टमेंट पे फोकस है, इन दो स्पेसिफिक बातों में। अच्छा समटाइम्स प्रोमिनेंट ए वेव जेबी में आ जाती है,
ये भी मेरे से सवाल पूछा था उन्होंने, मेरे से तकरीबन 12 सवाल पूछे थे, क्योंकि ये छोटा सा मरमर था तो ये एक मिनट से पहले मैंने प्रेजेंट कर लिया था, तो उसके बाद को 8, 12, 10, 12 सवाल हुए थे जो मेरे से, उसमें ये भी था कि JVP की आपने बात की वो कैसे पॉजिटिव आ सकती है इसमें, यूजली तो JVP नहीं आनी चाहिए प्रोमिनेंट एवे भी इसमें, तो उसकी रीजन ये थी कि आज भी हाइपर प्रॉफिट हुआ होता तो डाइसली में वो रिलैक्स नहीं करता, कॉम्प्लाइंट नहीं होता, तो जब फ्लो आता तो वो बैक प्रेशर बनता है, उसकी वजह से प्रोमिनेंट आगे आती है, तो इन बातों को भी आप जेब में रखना कि आ सकती है। दूसरा वही टिप जो मैं आपको बता रहा था अभी, आपने ना ये इसमें अगर इंस्पेक्शन में लिप्स को या माउथ को किया खोल के एग्जाम, लेकिन जब आप फुट एंड पे थे आपने पाँव पे ध्यान हल्का सा नजर दौड़ा ली, ठीक है, कि फीट पे उसके देख लिया क्लबिंग तो नहीं थी, वहां पे जेन में पहली बन गई, तो इंस्पेक्शन 30-40 सेकंड क्यों होने चाहिए, ये मैंने इसीलिए थोड़ी सी डिटेल स्लाइड रखी है कि इस वजह से होने चाहिए कि टॉप्स की ये सारी बातें और ये हर एक में ये बातें अप्लाई करें आप। एलिवेशन एपिक स्पीड सबसे पहले देख रहे हैं आराम से कौन सा, और यूजली टॉप में आपको नॉर्मली मिलेगी, हमेशा एपिक स्पीड का करेक्टर उसके साथ बोलना है। एक शॉर्ट केस मैं भूल गया था, मैं एक्साइटेड हो गया था, बहुत सिंपल था केस MS का, बड़ा आसानी से पिक हुआ, तो मैं जल्दी से बोलता चला गया कि लोग इधर है ऐसे ऐसे है, तो मैं जल्दी मैं टैपिंग बोल रहा था बोलना, उससे पहला सवाल मेरे से कहता बेटे हमने एपिक स्पीड की करेक्टर कैसे महसूस किया था, तो जाहिर है नेगेटिव उसके मार्किंग हुई होंगे लेकिन एक्साइटेड नहीं होना, मैं वही बता रहा हूँ कि एक रूल पर चले, थोड़ा बहुत आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है, एक या दो, एक एग्जामिनर से ज्यादा सख्त आपको नहीं मिलेगा, तो बस अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है उस वक्त, ठीक है। अच्छा दूसरा इसकी पल्पेशन में टॉप से वापस आते हैं, क्या करना है कि पल्मोनरी सिस्टोलिक थ्रिल ये आपको आएगी, अब ये वर्ड जब आपने बोलना है ना वहां पे, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि थ्रिल आ रही है, बड़ा एग्जामिनर फेड अप होते हैं इस बात से, स्पेसिफिकली हमें मॉक में पे हुआ ये प्रैक्टिस है कि आपने सिस्टोलिक डायस्टोलिक लाजमी बोलना, तो 90% तो आपको सिस्टोलिक थ्रिल आनी, तो लेकिन आपने उस वक्त टाइम करना है, ऑलवेज टाइम द थ्रिल विद कैरोटिड एट लीस्ट टू शो द एग्जामिनर दैट यू आर टाइमिंग, अगर आपसे पिक नहीं भी होती कैरोटिड पे आता की चीजें तो आप हाथ जरूर रखें, अगले बंदों को पता चले कि ये इसको पता है कि बोलना क्या लगा करने का लगा, मैं फिर कहूंगा ये आपकी पूरी परफॉर्मेंस आपके वाइवेंस देने से पहले ही वो जज कर चुके थे इस बच्चे का करना क्या है, तो आप इस चीजों को सब चीजों को भी जेब में रख के चलना। अच्छा आगे आगे हमने कहा इंपॉर्टेंट इसमें पैरासोनल ही वहां से थी, वो यूजली आरपी हाइपरट्रॉफी हुई थी तो लिफ्ट आ जाती है, तो वो भी हो सकता है, तो पल्पेशन में यूजली इसके अंदर थ्रिल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जरूर याद रखना है, और सिस्टोलिक थ्रिल बोलना है, लफ्ज सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलना है, जहां आपने थ्रिल बोला है पहले जेब में प्लीज रख लीजिएगा, मैं नाम ही लेता लेकिन मेरे दो बड़े अच्छे दोस्तों का मसला यहीं पे पड़ा था कि वो थ्रिल बोल के बाद में ग्रेड 3 बोल के आ गए थे वहां में मरमर का, थ्रिल ग्रेड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक कर रहे हैं आपस में आपने। अच्छा अब आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे शॉर्ट केसेस में कोशिश करें इसको अप्लाई करें कि कैसे बोलना है क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा अब इस टॉस रिलेटेड हम ऑस्कल्टेशन की जनरली पहले बात करते हैं। अच्छा S1 and S2 are heard in the respective areas. The first and second heart sound heard in the respective areas. The first heart sound is normal. The second heart sound is single. Okay? आपने कभी भी ये बोंगी नहीं मामा आनी कि इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाजू बात केसेस में आ रहा होता है, आ भी रहा है तो नहीं करना। आपने इस रट्टी रटाई स्लाइड को आप बोलना। अगर वहाँ टॉफ का पेशेंट है तो वो कभी भी टॉफ PR लीक के साथ नहीं आ रहा होगा, टॉफ AR के साथ नहीं आ रहा होगा, टॉफ किसी मुश्किल के साथ नहीं आ रहा होगा, इन केस आ भी रहा हुआ या कोई एग्जाम में फंसाना भी चाह रहा हूँ, अगर आप ये बोल देंगे वो पास आराम से कर देगा, फेल नहीं करेगा, लंबी बातों में नहीं जाना वहां पे कि P2 कैसा है स्प्लिट है कि नहीं, टॉफ में नहीं होता, P2 बहुत डिमिनिश होती है क्योंकि फ्लो ही नहीं होता। यहाँ पे फिर वही बात है, ये भी एक क्वेश्चन था मेरा, उसने मेरा पहला सवाल पूछा व्हाट इज मर्मर, मर्मर की डेफिनेशन बड़ी अच्छी सी याद कर ले छोटी सी, एबनॉर्मल फ्लो थ्रू ए नॉर्मल ओपनिंग और नॉर्मल फ्लो थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग इज कॉल्ड मर्मर, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी, इसको फिर याद कर लीजिएगा, एबनॉर्मल फ्लो नॉर्मल ओपनिंग, नॉर्मल ओपनिंग एबनॉर्मल फ्लो, ठीक है उसको याद रखिएगा इस तरह, या फ्लो बुरा है या वो बुरा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब इसी तरफ आ जाए, अब ये इस मर्मर को आपने इस ऑस्कल्टेशन को रटा लगा लें या अपनी पसंद की जो आपको पसंद है वो बना लें, लेकिन एक पैराग्राफ प्लीज बना लें जिसके अंदर फिट करें वहां पे हाई पिच सिस्टोलिक ग्रेड 4 विद इंटेंसिटी, दिस ऐसे ना बोलो, एक तो उसका इमेज बुरा जाता है, दूसरा आपका टाइम वेस्ट होता है, इमेज गया वार्ड में, आपका जो इंपॉर्टेंट बात है वो टाइम मैटर कर रहा है, यू हैव टू फिनिश इट एक मिनट में, अगर आपसे ढेर सारे सवाल पूछे ताकि आपके अगर मिस भी हो रहे हैं सवाल तो 4-5 सवालों का जवाब निकल जाए, अच्छे
ओके अब इस तरह देयर इज अ हाई पिच हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ ग्रेड 4/6 और 3/6, इसको आपने जरूर याद रखना है थ्रिल के साथ मैच करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर कहाँ लगाए उन्होंने को किताब पे लिखी होती है बात कि यहाँ पे तो बच्चा फंसेगा, ये तो मैंने पकड़नी पकड़नी है ना, अगर वो थ्रिल बोला तो थ्री बोला है और नहीं बोला तो इस तरह की गलती। हाई पिच हार्श इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर ऑफ ग्रेड 4/6 इंटेंसिटी एट पल्मोनरी एरिया रेडिएटिंग टू सुप्रास्टर्नल नॉच व्हिच इंक्रीजिंग्स ड्यूरिंग हेल्थ इंस्पिरेशन। ये 6-7 पॉइंट एक स्मूथ पैराग्राफ में जरूर दें। आप पिच के बारे में बताएं, सारे मर्मर हाई पिच बोल दे कोई कुछ नहीं कहेगा सवाई एमएस के, एमएस को लो पिच रखें बस। इजेक्शन सिस्टोलिक आपको पता होना चाहिए, ग्रेड आपको पता होना चाहिए, एरिया कौन सा है, रेडिएट कहाँ पे कर रहा है। ये बहुत लोग भूल जाते हैं रेडिएट करना, एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं, मिस हो जाता है ए एस का मर्मर, सब कुछ बोल जाते हैं यही नहीं बोलते कि रेडिएट कहाँ कर रहा है, वो ऊपर जा रहा होता है कैरोटिड निमोनिया, ये सुपरस्टर नॉच में थोड़ा सा इसका होता है। तो इसको इस तरह इस पैराग्राफ को कोशिश करेंगे स्मूथली प्रेजेंट करें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टॉफ के रेलेवेंट क्या है, टॉफ और एआर ये दो ऐसी बातें जिनमें स्पेसिफिकली स्लाइड में आपके क्वेश्चन ईयर जो लगा होगा जब आप एंटर करेंगे तो वहां मेंशन होगा कि डू द रिकॉर्डेड एग्जामिनेशन एंड रेलेवेंट, यानी इन दो में तो इन्होंने स्पेसिफिकली 90% मेंशन किया ही होता है कि क्यों इस जाहिर है जब मुझे वो रेलेवेंट कहेंगे कुछ तो रेलेवेंट में होगा। ओके तो रेलेवेंट में सबसे पहले आपने क्या करना, आपने आ जाना उसके हाथ की तरफ, सबसे पहले आराम से क्लबिंग देखें, उसके पल्स इन डिटेल देखें। ये मैंने सवाल पूछा था उसने कि आप जब रेलेवेंट पल्स के बारे में बोले हैं तो आपने पल्स क्यों देखी है, इसमें तो पल्स का कैरेक्टर नॉर्मल होता है आपने क्यों देखी, तो आपने जरूर बोलना है कि ब्रिटिश एंड मेक्स रेडियल पल्स ऑफ दैट साइड वेरी वीक। अब ब्रिटिश एंड के बारे में थोड़ी देर बाद आगे जाके देखते हैं वो क्या होता है। ब्लड प्रेशर देखना है, क्यों देखना है, सब बातें आपको पता होनी चाहिए क्यों करनी है। वाइड पल्स प्रेशर इसमें आ सकता है ए आर के लिए, ताकि आपको ये याद रहे कि ए आर इसमें देखना है। कैसे कैसे आएगा वाइट प्रेशर, देखें अब ओवरराइडिंग एओर्टा की हुई होती है वो एक तो एंटीरियरली डिस्प्लेस हो गया होता है, इधर से ऐसे थोड़ा सा एंटीरियरली डिस्प्लेस होकर आ जाता, आगे आ जाता, एक तो वो आपको क्लिक दे सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि क्लिक श्लिक पे कोई फोकस नहीं करना, आप ये नहीं भी बोलेंगे एक नंबर कट जाएगा चार नंबर आप ले लेंगे, क्लिक बोलते हुए गलती कर दी तो 5 नंबर। ओके अब उसके क्या हुआ था, एंटीरियर डिस्प्लेस हुआ था तो राइट कोरोनरी कस्प पर इसमें चांस होता है कि वो प्रोलैप्स कर जाता, तो एक तो राइट प्रोलैप्स होने के कोरोनरी कस्प की वजह से आपको वैसे ही कॉन्टिन्यूस मर्मर आ सकता है या एआर हो सकता है, तो बीपी इस वजह से भी देखना है, बाकी बातें तो देखनी देखनी है। अब आगे जेबी मैंने आपको बताया ना जेबी पीस में जरूर देखनी है, ऊपर ओरल कैविटी देखनी है, सेंट्रल साइनोसिस होती है इसके अंदर तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादा रखना है सेंट्रल साइनोसिस और वैजिंग जरूर देखनी है, रेलेवेंट पीडियल एडिमा देखें। ये सब बातें एक पैटर्न पे चलेंगी इंशाल्लाह हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। ऑस्कल्टेशन करनी है अब आपने, ऑस्कल्टेशन पे अब आपको फर्ज करें टॉफ का उन्होंने बड़ा आपका बैड डे है मतलब आप कंसिडर कर रहे हैं वर्स केस सिनेरियो, तो वर्स केस सिनेरियो में अगर टॉफ का केस उन्होंने रख दिया उसके साथ कॉम्प्लिकेशन, अब डायस्टोलिक मर्मर आ रहा है, अब आपके जहन में दो ही बातें, डायस्टोलिक मर्मर या तो रिपेयर हुआ हुआ है उसको पीआर हो गया या फिर ये एआर, तो वट एवर द मर्मर इज अगर आपको डायस्टोलिक मर्मर आ रहा है तो आप जब रेलिवेंट कर रहे होंगे ऑस्कल्टेशन करने के बाद आपको तो एक फ्लो में रेलेवेंट होगा, तो ऑस्कल्टेट करते हुए पेशेंट को बिठाएं जरूर, प्लीज पेशेंट को बिठाएं जरूर हमेशा। बेस का कोई भी मर्मर है, ये एक बड़ी एग्जाम की इंपॉर्टेंट टिप है, मैं फिर बोल रहा हूँ स्लोली, बेस का कोई भी मर्मर है, एएस है, पीएस है, कोई मशीनरी मर्मर है, कोई भी मर्मर जो आपको ऊपर आ रहा है बेस पे हार्ट पे, उस पेशेंट में आपने पेशेंट को फॉरवर्ड बिठा के लीनिंग फॉरवर्ड करके जरूर सुनना है एआर के लिए। एनी बेस मर्मर मस्ट लिसन फॉर एआर इन सिटिंग और लीनिंग फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है, मतलब मेरे से उससे पूछा था कि और कौन से मर्मर आ सकते हैं, तो मैंने मशीनरी मर्मर कहा था, उसने कहा था कि मशीनरी मर्मर कैसे आ सकते हैं, तो आपको कम से कम दो कॉजेज मोटिव पता होना चाहिए कि बीटी शंट इटसेल्फ है जो कार्डियो मर्मर, और दूसरा ये कि आपके जो मैपकास होंगे या लार्ज एओर्टो पल्मोनरी कनेक्शंस बन सकते हैं कोलैटरल, उनकी वजह से भी क्रॉनिक डिजीज में आ सकता है। फिर आप ऑस्कल्टेट लंग बेस का देखें और कमर पे ऐसे उसकी बिठा के स्पाइन पे हाथ फेर लें ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने स्कोलियोसिस वगैरह के लिए देखा है। तो ये सब बातें हैं जो मिनिमम कोशिश करें कि आप करके आए टॉफ के केस में। आपसे अगर रेलेवेंट कमांड नहीं है दैट इज वेरी गुड कि नहीं आपने बोलनी नहीं है लेकिन आपने करनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी एग्जामिनर के सामने, आपको जाने से पहले ही वो अपना माइंड बना चुका होगा लड़का ठीक है या लड़की ठीक है, तो इसको ध्यान से करें।
ओके ये थोड़ी सी बातें हैं। ये एक सवाल मेरे से पूछा था कि पीएस के साथ क्या होता है। अब आप ये माइल्ड में आप नोट करेंगे तो इसका डेफिनेटली बड़ा होगा, जितना बड़ा मरमरा टॉफ के पेशेंट है उतना ही ज्यादा आपका माइल्ड है केस, और रिवर्स गोज फॉर पीएस। थोड़ा सा डिफरेंस है पीएस और इसमें। ये सवाल से पूछा था कि आप पीएस और एमएस में जनरली इंस्पेक्शन में क्या फर्क, जो आते थे मैंने बोला कि ऐसे ऐसे होगा, इंस्पेक्शन में थोड़ी साइनोसिस होगी, पीएस में यूजुअली भी नहीं होगी। फिर उसे मैंने उसे कहा कि उन्होंने पूछा पल्पेशन में क्या होगा, उन्होंने स्कार मार्क देख लेंगे, कोई पल्सेशन देख लेंगे, इस तरह की बातें। सीवियर में ये छोटा हो जाएगा, और जब सीवियर होगा ऑस्कल्टेशन में बड़ी, सबसे ऑब्वियस सुनना चाह रहा था ये कि जब सीवियर पीएस होगा तो मर्मर हार्शेस्ट हो जाएगा, लाउडेस्ट हो जाएगा, और जब सीवियर टॉफ होगा तो मर्मर बिल्कुल डिमिनिश, इवन खत्म भी हो सकता है मर्मर। ठीक है, तो ये जो बातें आपने इसको ध्यान में रखी। ये सारे सवाल आपसे होंगे टॉफ के केस में, ईसीजी एक्सरे क्या है, एको क्या है, आरआई टाइप क्या है। तो ईसीजी वो पूछ लेते हैं जनरली क्या है, और एक्सरे तो उनके पास होगा। वंस अगेन इस जाने से पहले मैं आपको बताऊं, एक्सरे हर शॉर्ट केस का उनके हाथ में होता है, और 90% हर बंदे को एक्सरे से पकड़ा देते हैं, जी बेटा एक्सप्लेन द एक्सरे, ताकि वो इस वजह से देखना चाह रहे होते हैं मे बी कि शायद आपने जो है उसको एक्सरे को देखा है कभी के नहीं, आपने सिर्फ रट्टा किताबी मार लिया। अच्छा, अब ईसीजी में क्या होगा, यूजली राइट एक्सिस डेविएशन होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, टॉल होगा V1 to V2 में R, और S होगी टॉल राइट शेड्यूल लीड। ईसीजी में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये सुनाते चाह रहे होते हैं कि क्यू और एस की विड्थ आप मैयर करते हैं। ईसीजी की ये स्पेसिफिक बात है इसके रिलेटेड कि आपने क्यू और एस की विड्थ अगर 180 से ज्यादा है, दैट इज अ प्रेडिक्टर ऑफ वीटी और सडन कार्डियक डेथ। तो ईसीजी में ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग है हम देखते हैं, बूट शेप हार्ट होता है आप सबको पता है, पक्का सवाल है उनका व्हाट इज बूट शेप हार्ट। ठीक है, व्हाट आर द टोटल, ये एक्सरे एग्जैक्टली ऐसे एक्सरे उनके पास था, उन्होंने ऐसे पकड़ा दिया था, उसमें लगा दिया था, कहते हैं डॉक्टर एक्सप्लेन द एक्सरे। वो आपसे ये नहीं सुनना चाह रहे हैं कि पी ए व्यू लंग्स नॉर्मल ये वो, उन्होंने तीन बातें सुनी है ये शॉर्ट केस है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपलिफ्टिंग ऑफ एलवी एपिक्स, ये ठीक है, ड्यू टू आरवी हाइपरट्रॉफी वन पॉइंट, दूसरा पल्मोनरी बेस कनकेव। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि फ्लो ही नहीं आ रहा तो आगे डेवलप कैसे होगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट राइट साइडेड एओर्टिक आर्च का चांस है, ये देखिए राइट साइडेड एओर्टिक आर्च। चौथा ओलिगेमिक टाइप लंग फील्ड होगी, मतलब लंग में इतनी पल्मोनरी मार्किंग्स प्रोमिनेंट नहीं होगी, कम होगी क्योंकि फ्लो नहीं है तो कम होगी। ये चार बातें वो सुनना चाह रहे हैं, वो आपसे और नहीं सुनना चाह रहे, पर टाइम बचाएं, ज्यादा सवालों के लिए टाइम बचाएं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इस एक्सरे को स्पेन कर दिया, जिसकी चार बातें थोड़ा पढ़ लीजिए। टोटल हार्ट साइज यूजुअली नॉर्मल ऑन एक्सरे होता है, पल्मोनरी सेगमेंट इज कनकेव एंड द एपिक्स इज एलिवेटेड गिविंग कोर एंड सबू, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने मेरे से मुंह से निकल गया था, तो उसने कहा था कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो टी साइलेंट है और ई को ए पढ़ना है, कोर एंड सबू इसकी प्रोनाउंसिएशन, मतलब ये मैंने घर आके देखी कि क्या प्रोनाउंसिएशन है उस वक्त। बस ये गलती, ये वो गलती होती है जो हो जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यूजुअली नहीं करनी, छक्के नहीं मारने थे। बूट शेप हार्ट, उसने पूछा और कोई नाम है, मुझे नहीं पता वो क्या पूछा जा रहा है, मैंने कोर एंड सबू बोल दिया तो वो इस पे आ गया। एओर्टा आर्चेस टू द राइट इन मेनी केसेस, पल्मोनरी फ्लो इज डिमिनिश्ड, तो ये चार बातें एक्सरे पे तो आप बोल देंगे तो क्या ही बात है। अच्छा, एको पे आप सबको पता है क्या है, टू डायमेंशन एको करते हैं प्लैक्स में, यूजुअली हमें इसकी फाइंड डायग्नोसिस मिल जाता है, आपको ओवरराइडिंग मिल जाती है, इनफंडेबल और सारा कुछ मिल जाता है। आपको एक अगर पिक्चर दिखाता हूँ, तो सो दिस इज द वीएसडी मार्क बाय स्टार, दिस इज ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। ओवरराइडिंग एओर्टा क्या होती है कि वो सेप्टम के से 50% आगे चली जाती है। दिस इज द क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था कि इसके अंदर, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बाकी से भी पूछे गए थे, मतलब हम सारे कंबाइल किए थे, यूजुअली टॉप के क्वेश्चंस क्या होंगे जहां तक आपको आते हैं हमें, तो ओवरहेडिंग ये होता है कि 50% से ज्यादा वो सेप्टम के इस तरफ होती है टुवर्ड्स राइट साइड, वरना यूजुअली यहाँ पे करके होता है एओर्टा, ये ऊपर की तरफ चले जाता है यहाँ पे, और ये साथ बीएसडी आ गया, ये आरबी, दिस इज आरबी हाइपरट्रॉफी, और दिस इज द बीएसडी जेट। कार्डियक कैथ क्यों करनी है, यूजली सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो पूछा था कि एनाटॉमी आपने अच्छी तरह पता करनी होती है कि टू असेस द एनाटॉमी ऑफ आरवी ओटी एंड मेन पल्मोनरी ब्रांचेस, आरवी एलवी फंक्शन देख सकते हैं।
साइट एंड साइज ऑफ डी एस डी arterial aortic saturation है, identical systolic pressure in RV and LV and low systolic pressure in pulmonary arteries diagnostic. RV कर लेते हैं हम, percentage of riding aorta देख लेते हैं, obstruction नजर आ जाती है RV angiography में, size of VSD देख लेते हैं, LV है. अच्छा root और arch की aorta graphy बड़ी important होती है. ये सब बातें हम MRI के ऊपर भी कर सकते हैं, class 1 हो गया MRI. लेकिन ये है कि जो हम आपसे पूछ लिया जो aorta graphy का कोई role है तो हमें जरूर कहना होगा कि आप इसमें देख लेते हैं कोई मेजर नेपकास वगैरह तो नहीं, या कोई आपका शंट बीटी शंट वगैरह कुछ तो नहीं लगा हुआ पहले जो आपको यहाँ से नजर आ जाता है. अच्छा मैनेजमेंट में जाने से पहले जो मेरे से सवाल पूछा गया था जिसमें थोड़ा टाइम लग गया था, लास्ट क्वेश्चन था ये मेरा, उसको कि टेट स्पेल को मैनेज कैसे करते हैं. वो कुछ पूछना चाह रहे थे कुछ ड्रग्स मेरे से कि 3-4 ड्रग्स के नाम क्या है. वो सब सर्जिकल की तरफ जाते हैं तो वो स्पेसिफिकली पूछ रहे थे हाउ टू मैनेज अ टेट स्पेल. उसमें जाने से पहले हम करते हैं कि व्हाट इज मैकेनिज्म, क्या है हाइपोक्सिक स्पेल का, टेट स्पेल का, व्हाट इज मैकेनिज्म. ये एक विशियस साइकिल होता है. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको या तो स्पैस्म हो किसी वजह से आर्मी होती का, या सिस्टोलिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई. डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि आफ्टर लोड कम हो गया. ठीक है, अब ये कब वर्क राइन में हो सकता है, एक्सरसाइज में हो सकता है. जब भी ये तीनों बातें होंगी क्या होगा कि राइट टू लेफ्ट शंट वीएसडी के थ्रू ज्यादा हो जाएगा. जब जितना राइट लेफ्ट शंट ज्यादा होगा उतनी ही क्लबिंग ज्यादा है, उतनी ही साइनोसिस ज्यादा है. तो जब ये शाम हो रहा होगा स्पैल या कुछ भी तो राइट लेफ्ट शंट हो रहा होगा, पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा. अब जब हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट क्या करेगा कि PO2 उसकी डिक्रीज कर देगी विच स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड रिजल्ट्स इन हाइपरवेंटिलेशन. दिस हाइपर एपनिया इंक्रीजेस सिस्टेमिक वीनस रिटर्न. जब पीछे से रिटर्न ज्यादा हो गया, आगे से आपको बंद है, जा रहा नहीं है, तो वो और शंटिंग करेगा. जितनी ज्यादा शंटिंग करेगा उतना ज्यादा साइनोसिस होगी. तो विशेष साइकिल चल जाता है इस तरह एक पूरा, इस तरह ये पूरा फिर शंटिंग जाना. ठीक है. अच्छा अब ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्ट इज एम्ड एट इस साइकिल को ब्रेक करना है. अगर इन्फेंट है तो आप उसको पिकअप एंड हेल्ड इन नी चेस्ट पोजिशन. मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरे से क्वेश्चन होता है हाउ टू मैनेज दैट स्पेल. हाई फ्लो ऑक्सीजन में कंसंट्रेशन के साथ मॉर्फिन सल्फेट 0.2 mg पर केजी, नो नीड ऑफ डोज रिक्वायरमेंट. नाम याद होना चाहिए आपको. ठीक है. रीजन सुप्रेसेस द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड एबॉलिशेस एक्सीडेंट. एसिडोसिस शुड बी ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्ब का भी रोल है इसमें. तो दो मेडिसिन तो आपको वैसे याद होनी चाहिए ना, मॉर्फिन है और सोडा बाइकार्ब. Soda bicarb reduces the respiratory stimulant effect of acidosis. Next drug is propranolol, beta blocker. By slow IV push, reduces the heart rate and may reverse the swell. इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो अब आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया कर देते हैं. केटामीन दे सकते हैं आप. ठीक है. इसके अलावा आप सिडेट कर सकते हैं पेशेंट को. फिनाइलएफिन दे सकते हैं और बहुत रेयरली रिक्वायर्ड है एनेस्थीसिया. ये सिर्फ नाम याद कर ले, वहां आप नाम तेजी से बोल देंगे ना तुमको पता लगा याद है, क्योंकि ये पैनिक से सवाल था करने वाला. अच्छा इसके ये तो बातें हमने कर ली ना. अब यूजली अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या है हमारे पास स्टॉफ को देखने के लिए. उसमें हमारे पास है कि आयरन डेफिशिएंसी स्टेट को जरूर नोट करें. माइक्रोसाइटोसिस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस. माइक्रोसाइटोसिस इज रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. माइक्रोसाइटोसिस का एक सवाल आपसे टॉफ में लाजमी हो, या इसका हो जाएगा या फिलोबॉटमी कब करनी है, इस तरह की क्वेश्चन हो गई होगा कि आयरन डेफिशिएंसी स्टेट को करेक्ट करना इज ए मस्ट इन पेशेंट्स. क्यों है मस्ट? माइक्रोसाइटोसिस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस. ठीक है. अच्छा अब फिलोबॉटमिक इंडिकेशंस क्या है? दो ही है बस, सिंपल सी दो याद रखते हैं. एज भी 20 से ज्यादा हो गया और हेमेटोक्रिट 65% ज्यादा हो गया तो आपने उसको फिलोबॉटमी कर दी. कोई आपसे डिटेल में नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन आप याद रहेगा. ठीक है. रिपीटेड फिलोबॉटमीज आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ आयरन डिप्लीशन, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, स्ट्रोक एंड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस. ये भी एक स्लाइड थी. जनरली चार शॉर्ट केस में से एक पे तो आपने ये पूछना आपसे लोगों ने एंडोकराइटिस पावर एक्सेस करनी है कि नहीं करनी. तो अब तो बड़ा आसान हो गया, सिंपल से ये जाए जो आपने देनी देनी है. प्रायर हिस्ट्री एंडोकराइटिस है, कार्डियक वाल्व डिजीज है, ट्रांसप्लांटेड हार्ट, अनरिपेयर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अनरिपेयर्ड साइनोटिक हार्ट डिजीज.
हमारे पास 90% पेशेंट ही ऐसा आता है जो टॉप का बिल्कुल एंड स्टेज में पहुंचा होता है। अब वो करेक्ट हो नहीं सकता, तो इनमें लाजमी देनी है आपने प्रोफिलैक्सिस कोई कुछ ही देखे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे 90% केस इस थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, अनरिपेयर्ड साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिजीज और इनकम्प्लीटली रिपेयर्ड। ठीक है, कंजेंटल हार्ट डिजीज रिपेयर्ड यूजिंग प्रोस्थेटिक मटेरियल फॉर सिक, प्रोस्थेटिक है जब भी प्रोस्थेसिस आएंगे तो आपने डाल लेना। ठीक है, इसके अलावा ये नॉट को याद ही ना करें, ना ही देखें ना, बस ये चार पांच पॉइंट याद रखें, बाकी सब नॉट है। सर्जिकल करेक्शन पेलिएटिव शंटिंग भी टॉफ में 90% लोग करेंगे तो आगे चलेंगे, कोई ना कोई तो करना पड़ेगा आपको। अब तीन जगह हम आप रख लें, 1 2 3 ये स्टेप लेटर्स है आपको। ठीक है, अब मेन पे आ जाएंगे, सबसे पहले तो बीटी शंट आ जाएगा, ये ऊपर से लगा हुआ है सब क्लेवियन के, सब क्लेवियन से आपका पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा जो वाटर स्टोन होता है वो आपका असेंडिंग एओर्टा। तीसरा पॉट्स जो आपका डिसेंडिंग एओर्टा, सबने जुड़ना जाके पल्मोनरी आर्टरी के साथ। तो ऊपर से नीचे आ गए, सब क्लेवियन, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, बीटी शंट, वाटर स्टोन और पॉट्स। क्लासिक बीटी शंट और मॉडिफाइड बीटी शंट, मुझे मतलब मेरे से पूछा नहीं था लेकिन किसी और से पूछा था ये क्वेश्चन कि बीटी शंट कौन सा होता है। अब तो वो आपसे पूछ रहे थे कि आप मॉडिफाइड होता है यूजुअली। क्लासिक बीटी शंट एनास्टोमोसिस बिटवीन द सबक्लेवियन आर्टरी एंड इप्सिलैटरल पल्मोनरी आर्टरी, यूजुअली परफॉर्म फॉर इन्फेंट्स ओल्डर देन 3 मंथ्स बिकॉज़ द शंट इज ऑफन थ्रोम्बोज इन जनरल। मॉडिफाइड बीटी शंट इज अ गोर-टेक्स इंटरपोजिशन शंट, यानी कि एक प्रोस्थेटिक मटीरियल is placed between subclavian artery and ipsilateral artery. Most popular procedure for any age, especially for infants younger than 3 months. Surgical mortality is 1%. Mortality का मैं इसमें से लिखा है, red में लिखा है, ये मेरा question था कि surgical mortality क्या? मुझे नहीं idea था कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कि BT shunt से related पूछना चाह रहा है या total correction की पूछना चाह रहा है। उसने कहा कि surgical mortality क्या? जो आप कह रहे हैं surgical treatment इतना common होता नहीं है, तो mortality क्या? तो ये दो याद कर ले, बीटी शंट और टोटल की ये बता दूंगा भी इसके साथ ही है, 1 2 बकिंग। ये एक पिक्चर थी, टॉक्स में भी आई थी, आदत ही होती है ऐसी चीजें कि बीटी शंट कहाँ पे, तो दिस इज द बीटी शंट, सबक्लेवियन आर्टरी से सीधा इप्सिलैटरल पल्मोनरी आर्टरी के साथ, राइट साइडेड पल्मोनरी आर्टरी के साथ ये यहाँ से कनेक्ट हो गए। थोड़ी सी पिक्चर है शंट की, पिक्चर है जरा गुजर जाए आंखों से तो अच्छा है, एक बार बंदे को मेमोरी ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्लासिक देखें, सबसे पहले आप सिंपल आर्टरी को स्टंप बनाया और इसी वेसल को वेसल के साथ एनास्टोमोस कर दिया, तो दिस इज क्लासिक बीटी शंट। मॉडिफाइड में क्या है, मॉडिफाइड में ये देखेंगे गोर-टेक्स इस तरह का जो मटेरियल है होमोग्राफ्ट वो यहाँ लगा देते हैं ऐसे, उसी तरह सब क्लेवियन को कनेक्ट अपने पल्मोनरी आर्टरी से ही करें। फिर असेंडिंग एओर्टा से करेंगे तो वाटर स्टोन और डिसेंडिंग एओर्टा से करेंगे तो पॉट्स। कंप्लीट रिपेयर की हम ये वही बात थी कि इसमें टोटल रिपेयर में यूजुअली हमारे पास क्या क्या है जो आपने करना। सबसे पहले पैच रिपेयर ऑफ बीएसडी कर देंगे, ठीक है, उसके बाद कोशिश करते हैं हम पहले के कॉन्डोई को अवॉइड करें। फिर वही बात है, यहाँ पे मैं रिमाइंडर दूंगा कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्डोई, हमेशा क्लास वन इंडिकेशन है कि आपने इससे मेरे से बहुत दूसरा या तीसरा सवाल ये पूछा था, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि क्या एसोसिएशन की इसके साथ लिंक है। फिर वही बात, कोनस ब्रांच बड़ी होगी, आपने कंप्रेशन टेस्ट के साथ देखना है इसको, ठीक है। और कॉन्डुई डाल दें, आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन खोल दें, वेल वॉटमी कर दें, ये आपके ऊपर, इसके ऊपर सर्जन। मॉर्टेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मोस्ट अनकम्ड ऑफ द मॉर्टेलिटी इज 2 to 3% ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years। आई थिंक मेरे से यही पूछा जा रहा था कि मॉर्टेलिटी सर्जरी की क्या है, 2 to 3% ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years, 2 year 2%। जस्ट पिक्चर ये पैच से रिपेयर हुआ, ये उसकी वेल वॉटनी और उसका स्टेनोसिस ओपन किया, गोर-टेक्स ग्राफ्ट है, पेरिकार्डियल से जूझ लेते हैं। अच्छा ये आइसोलेटेड पीआर का है सवाल के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, सबको पता पीआर ही है, तो उसके ये इतना बड़ा समय ना जाए, बस एक सिंपल सी बात याद रखिए कि पीआर मॉडरेट से ज्यादा है और सिम्टम है तो पल्मोनरी वैल्व रिप्लेस करना है, बस वरना नहीं करना, कोई खिचड़ी में नहीं जाना, शॉर्ट केस है। एक बात बताओ मुझे, मोर देन मॉडरेट पीआर विद सिम्टम्स तो हम बल्ब रिप्लेस करेंगे, वरना कोई ताल्लुक नहीं हमारा। वंस अगेन मेरा भी क्वेश्चन था ये, व्हाट आर द सडन कार्डियक रिस्क फैक्टर्स जो के आपके टॉस में है। पुअर हेल्थी फंक्शन होगा, QRS की ड्यूरेशन 180 मिलीसेकंड से ज्यादा होगी जो हमने इसी जी पे बात की थी, एक्सटेंसिव आरवी स्कारिंग होगी,
MRI भी देख सकते हैं, inducible sustained VTs on ET studies, non-sustained VTs on Holter. थैंक यू. तो यूजुअली मैं शॉर्ट सा रखने की कोशिश किया था और हमने कहा था कि कॉफ को यहाँ पर रखें. ओवर टू यू सी भाई. थैंक यू डॉक्टर तैमूर. इट वॉज ए आई मस्ट से सुपर सुपर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. और बड़े खूबसूरत तरीके से आपने टॉप को सम अप किया है. और ऑलमोस्ट जितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द शॉर्ट केस ऑफ टॉप जो बनते थे, जो एग्जामिनर पूछते होते हैं, वो आपने सारे के सारे सवाल भी बता दिए हैं और उन सब के ज़बरदस्त जो बेहतरीन जवाब आते हैं वो भी आपने बता दिए हैं. मुझे तो लगता है कि कोई सवाल अब बचा नहीं डिस्कस करने को, लेकिन बहरहाल इतनी कन्फ्यूजन्स होती हैं तो मैं अब बढ़ूंगा क्वेश्चन और आंसर हमारा जो सेशन है उसकी तरफ. लेट्स सी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस हैं आज की टॉपिक से रिलेटेड तो आई विल आस्क यू. और हम कोशिश करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के जो भी कन्फ्यूजन उनको उनकी कन्फ्यूज जो हम ख़त्म कर सकें. डॉक्टर हमाद शाह हमारे साथ हैं एंड ही इज आस्किंग के सर हाउ टू डिफरेंशिएट परमेनेंट सिरोसिस फ्रॉम टॉफ. एक तो मर्मर की सीवियरिटी का बताया, इसके अलावा कोई बात? इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप उस चीज को पैटर्न को ना भूलें. जो भी सवाल पूछे इंस्पेक्शन पल्पेशन इसके साथ रखें. तो जब भी पीएस आएगा आप इंस्पेक्शन में देखें क्या होगा. अब पीएस में कोई स्कार मार्क तो नहीं होगा ना बीटी शंट का या किसी चीज का, तो इंस्पेक्शन में एक ही डिफरेंस मिल गया. इंस्पेक्शन पे साइनोसिस नहीं होगी पीएस में, इसमें हो सकती है. क्लबिंग नहीं होगी पीएस में, हो सकती है. तो ये चार पांच बातें जो आप मिला के कर सकते हैं. फिर पीएस की मर्मर का मैंने आपको बता ही दिया था. डॉक्टर जमील अहमद कह रहे हैं जी प्लीज शेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल. डॉक्टर जी ना ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर तैमूर के इफ यू वुड लाइक टू शेयर हिज प्रेजेंटेशन विद अस. आई थिंक ये थी जबरदस्त प्रेजेंटेशन है जो हर किसी के लैपटॉप में होनी चाहिए. आई मस्ट से इट जस्ट बनाई है, मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ बड़ी मेहनत से बनाई होगी. Okay, जी, awesome, best of the presentation, stay blessed, wonderful session, thank you Dr. Tamur, hats off Dr. C for such session, thank you आपका जी. एक और question है, लेकिन मुझे question समझ नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ, अगर Dr. Tamur आपको समझ आया तो आप please answer. जी. Sometime, Dr. Mona Ali है, sometime we could not differentiate splitting single sound or splitting, so what to do either? We should say single sound if we cannot appreciate. अच्छा, जो इस सवाल का मैंने शुरू में समझ किया था बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, ये पूछा कि यही वो सवाल है जिन्होंने आपको करना है. मैं बार बार कहता हूँ this is the question that makes a difference. यहाँ पे आपने बड़ी बोंगी मार दी चौका छक्का तो आप गए. वो फिर आपको आगे सवाल भी चौ छक्के वाले के पूछेगा अगले, और वो तसल्ली से फिर कराते हैं आपको अगर आप उनके एग्जामिनर से इस तरह करेंगे ना. ठीक है, तो मैंने पहले बताया आप अपने माइंड में पहले रखें कि आपने स्प्लिटिंग बोलना कब, क्या ये मर्मर ASD से रिलेटेड है, नहीं है तो इसका मतलब है इसमें स्प्लिटिंग का वर्ड तो बोलना ही नहीं. स्प्लिटिंग आपसे पिक हो रही है, नहीं हो रही. अपने जेन में रखें कि मैंने ASD के अंदर सिर्फ स्प्लिटिंग का वर्ड यूज करना, बाकी मैंने कहीं स्प्लिट नहीं बोलना. अगर फर्ज करे आर एग्जामिनर सुनना भी चाह रहा है और आपने कहा कि मेरे से कोई स्प्लिटिंग आपने एक्सप्लेन नहीं की, उसने पूछा आपने जवाब दे दिया सर आई कैन नॉट अप्रिशिएट दैट प्रीटी वेल, तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा. बजाय से कि आप नंबर लेने के लिए गलत बात बोल रहे हैं स्प्लिटिंग है कि नहीं. ठीक है, अब स्प्लिटिंग को अप्रिशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट. वो जब आप मल्टीपल टाइम सुनते हैं ना फिर ही पता चलता है आपको. और इस स्पेसिफिकली टॉफ के अंदर स्प्लिटिंग कभी कंफ्यूज नहीं करेगी आपको. यकीन करें टॉफ का मोना जब सुनेंगे ना प्रैक्टिस करेंगे जाके अपनी, तो बड़ा क्लियर कट होता है, एक ही साउंड आ रही ठक करके बजती है आपको वो. तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होती. इट्स ऑलवेज MS दैट कंफ्यूजेस द जो है ना अटेंडेंट्स एंड द पेशेंट्स एंड एवरीबॉडी कि जी MS है कि ASD है जी. डॉक्टर साहब सुन के गए वो दो डायलॉग कह के गए कि उसी में, क्योंकि उसमें ओपनिंग स्नैप भी आ रही होती है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. टॉफ में देर इज नो S3 नो S4. जो आपका S1 टू S2 है उसी में मर्मर है. S2 से S1 इज कंप्लीटली क्लियर, उसमें कोई साउंड नहीं है. मैं बार बार कह रहा हूं उसमें कोई साउंड नहीं है. तो डॉक्टर मोनाली आप ये अपनी जिम्मे जरूर रखिएगा कि हमेशा वो क्लियर है. तो मेजोरिटी में क्लियर है, 90% आपको पेशेंट भी वैसा आना है. आप नहीं भी पिक कर रहे, आप कॉन्सेप्ट पे चले. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट इज ऑल ओके कि मैंने नहीं बोलना स्प्लिटिंग. बस दैट इज आई थिंक द बेस्ट आई कैन आंसर. बाकी ऐसे ही भाई कुछ डाल दो. नहीं बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद यू, आई टोटली एग्री विद यू. डॉक्टर फहीमुल हसन हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं सर कैन यू टेल मी द लोकेशन ऑफ स्कार इन बीटी शंट.
बीटी शहर के ना डिफरेंट स्कार्स होते हैं, जो पहले होता था ना उसमें इवन कैबेज में भी होता था बीटी शहर, क्योंकि इनके साथ बाकी अबनॉर्मैलिटी भी होती है। खाली टॉफ, सारे टॉफ अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। कॉम्प्लिकेटेड टॉफ होगा तो वो पूरा रिपेयर हुआ होगा, या नहीं भी हुआ होगा तो उसका प्रोलैप्स जो एओर्टा का हो गया वो भी रिपेयर हुआ होगा। तो जो स्कार मार्क है वो आपके नेक पे भी हो सकते हैं, वो आपके राइट साइड पे हो सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट जो मेरा था उसका पूरा कैबेज हुआ हुआ था। अब मुझे ये नहीं आइडिया क्या है, लेकिन जो बुक भी ये कह रही थी और जहां से मैंने प्रेजेंटेशन भी 3-4 जगह से बनाई है, जहां मेरे नोट्स वगैरह, उनमें भी मेजर स्कार मार्क जो इसका लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा हुआ है कि वो सेंट्रल है। और उसकी रीजन ये लिखी हुई है कि बीटी शंट डालते हुए माइन्यूट जो एरर्स होते हैं एआर के साथ, या जो राइट साइड कस्ट का प्रोलैप्स है वो भी रिपेयर हो, तो हम कोशिश करें कि आप इस कार मार्क फोकस करें सेंट्रल पे ही। मेरे पेशेंट का पे यही था। So we have with us Dr. Muhammad Qasim Waqas, Dr. Bali, I'm actually summing them up, Dr. Khalik Sanawa and Dr. Maryam Siddiqa, and they have a lot of compliments for you actually, and Jazakallah for बिल्कुल जी आपके कॉम्प्लीमेंट्स मैंने पहुंचा दिए। जस्ट टू सेव टाइम मैंने इंडिविजुअली रीड नहीं किया। एंड ओके सो आई थिंक देयर इज अदर देन द कॉम्प्लीमेंट्स एक एक क्वेश्चन था लेकिन वो इनकम्प्लीट था, बाय डॉक्टर माजिदा यासिर, और उनका मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये आया हुआ कि बाय मरमर लोकेशन क्वेश्चन मार्क। तो मैं डॉक्टर माजिदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो सुन रही हैं तो अगर वो पूरा टाइप कर दें क्वेश्चन, ताकि वो हमारे लिए समझने में आसानी हो। मैं फिर डॉक्टर रेमूर से पूछ लूँगा। मीनवाइल इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर तैमूर, डॉक्टर मोनाली कह रही हैं आई गॉट माई आंसर। ओके जी, ज़बरदस्त। ओके सो आई थिंक देर आर नॉट सो मैनी क्वेश्चन लेफ्ट, बिकॉज ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो स्टॉफ के केस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। अगर अगर आप कुछ इफ यू वॉन्ट टू थ्रो सम लाइट हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लू टॉफ पिंक टॉफ, कोई 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 चीज़ आप इसमें बताना चाहें इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स में। जब इन्फर्टिबल सीवियर नहीं होती तो चूंकि नॉर्मली जब तक प्रेशर नहीं बिल्ड हुआ तो शंट तो लेफ्ट राइट हो रहा होता है, तो जो सिस्टेमिक फ्लो है वो कम होता है, पल्मरी फ्लो डबल होता है। तो जब टाइट स्टेनोसिस नहीं होगी तो चूंकि फ्लो डबल है पल्मरी साइड पे राइट साइड पे, तो वो आपको स्टेनोसिस नहीं होगा। तो लेकिन पेशेंट को टॉफ फाइंडिंग सब कुछ आ रही होंगी आपके एको पे उसके ऊपर, तो दैट इज एसिनेटिव टॉफ। मतलब ये मेरे से पूछा था सवाल उन्होंने, क्योंकि कि पिछले किसी बंदे ने कहा था कि वो कह रहे हैं जी कि क्लबिंग साइनोसिस इज टॉफ, तो इट्स नॉट ऑलवेज टॉफ। ओके डॉक्टर माजदा, हाँ डॉक्टर माजदा का क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बीटी शंट मर्मर, वो जो बीटी शंट का मर्मर आएगा वो कहाँ सुनाई देगा। मशीनरी मर्मर होगा ना बीटी शंट का, कंटीन्यूअस फ्लो है, शंट है ना, दैट इज इज शंट, कंटीन्यूअस फ्लो है। जब भी शंट होगा उसमें कंटीन्यूअस फ्लो होगा आपका एओर्टा सब क्लीविंग से परमिट, तो वो तो कंटीन्यूअस मर्मर आपको आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए कोई स्पेशल नहीं, कोई इसकी स्पेशल ऐसा कोई ऐसा लोकेशन नहीं, क्योंकि आपने स्पेशल लोकेशन से फोकस नहीं करना। ये वही बात हो जाएगी कि छक्का चौका मारने की तरफ चल पड़े आप अपना नॉर्मल सुने, आपको कंटीन्यूअस मर्मर आ गया तो आपके जहन में होना चाहिए कि वो क्यों आ रहा है, बस ये नहीं पता होना चाहिए कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, इसमें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अपने माइंड को फोकस रखे, मैं फिर कहूंगा इधर उधर नहीं निकले, जहां आप निकले एग्जामिनर हाथ पकड़ के और दूर ले जाने आपको वहां से। आपका स्ट्रेथ रखने का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे इनफंडिबुलर स्टेनोसिस का मर्मर सुना, बस बाकी मर्मर कोई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे से कोई गर्ज नहीं। ओके द क्वेश्चन इज डू वी हैव टू टेल द ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग। नो नो नॉट एट ऑल, हम भी बड़ा रटा लगा के गए थे कि पहले एंगल खत्म होता है फ्लक्चुएशन, इस तरह किसी से सवाल नहीं हुआ किसी भी स्टेशन पे, ना लॉन्ग पे ना शॉर्ट पे, कभी भी नहीं। ये फाइनल ईयर टाइप की बातें कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। एक्सरे जरूर कर देगा, मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं हसीब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर एक एक्सरे पे लें, क्योंकि मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिल सका था। मेरा एमएस के केस में मुझे एक्सरे दिया था और उन्होंने मेरे से एक्सरे पे ही पूरा वाइव ऑलमोस्ट लिया था कि व्हाट आर द 5 grades ऑफ सेफलाइजेशन ऑन माइटल स्टेनोसिस या ऑन एक्सरे, तो इस तरह का वो मुझे एग्जैक्ट नहीं, तो वो एक्सरे पे मैं कहूंगा कि हसीब भाई करें, बाकी एज सच
कुछ नहीं। Yeah, I agree with you. ये 5 grades पूछते हैं ये बाजू का तंग करने के लिए. Actually 4 grades तो सबको पता है, लेकिन 5th पे आके वो फंसाने की कोशिश करते हैं. तो मैं बता देता हूँ, वैसे फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है लंग्स के अंदर, और उसकी वजह से एक्सरे के ऊपर मिलेरी जिसने टीबी होता है ना, वैसे ये अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है. उसको ये लोग बाजू का कहते हैं कि 5th अपीयरेंस है ये. हां, मैं तो यही सुनना चाहता हूं, मुझे ये उससे कभी बात. हां, तो ये बस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक मैं कहूंगा तंग करने के लिए हैं. यूजुअली इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्लिनिक के लिए, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं एक्सरे की क्लास ले सकूं दोबारा से. एक मैंने टॉक्स की रिलेटेड क्लास ली थी, वो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूं आस्ते आस्ते जैसे मुझे टाइम मिलता है. तो जिन्होंने भी देखा वो ना, वो बड़ा अच्छा सर, मैं अजीब बड़ा वो फायदा होगा. हां, वो उसमें एक बार जरा देख लें चेस्ट एक्सरे के, ऑलमोस्ट मैंने 70 प्लस चेस्ट एक्सरे डिस्कस किए हैं वहां पे. उसके अलावा कुछ बचता नहीं है. वो बहुत अच्छा बेस्ट है वो तो, क्योंकि मेरे से चारों शॉट के इसमें चारों एक्सरे मुझे उन्होंने हाथ में पकड़ाए थे. जी जी, एग्रीड. एक्सरे पे तो चाहे लॉन्ग केस हो चाहे शॉर्ट केस हो, एक्सरे तो वो पूछते हैं, और हर चैम्बर की बाउंड्रीज वो पूछते हैं. आर एन लार्ज होगा तो कैसे नजर आएगा, एन ए लार्ज होगा तो कैसे नजर आएगा, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन नजर आती है, पल्मोनरी वेनस कंजेशन कैसे नजर आती है, आरवीएच कैसे नजर आएगा, एलवीएच कैसे नजर आएगा, मतलब ये सारी चीजें मुझसे लॉन्ग केस के अंदर उन्होंने एक एक बाउंड्री का पूछा था, और चेक एक्सरे पे उंगली लगवा के मुझसे बताया था कि बताओ एल ए लार्ज. बिल्कुल, ये चीजें आपको बिल्कुल आनी चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू हैव एनी, मैं चाह रहा हूँ कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं ना लूँ, और जो क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि थ्योरी वो गाइडलाइंस के अंदर लिखी होती हैं, अगर आप वहाँ से गो थ्रू करेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा. टेबोल के अंदर भी जो कंजेनिटल वाला सेक्शन है वो बड़ा अच्छा लिखा है, ग्राउंड में तो है ही अच्छा लिखा. सो ओके, अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं जी, डॉक्टर ताहिर शफी साहब ने पूछा था कॉजेज ऑफ रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस. ये वही बात है, जहां आपने छक्का मारा वहां आप गए. इस तरह का सवाल मेरे से तो नहीं पूछा था, लेकिन ये हमारे बहुत बंदों से पूछे थे इस तरह फजूल से क्वेश्चन, इनका कहीं आंसर नहीं मिलता आपको ऑथेंटिकेटेड. गूगल ही करना पड़ेगा. मतलब ये छक्का मारने वाले क्वेश्चन है. मतलब मुझे ये याद है कि जिस समय मेरा प्रोस्थेटिक का केस था, तो मोहसिन रजा साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने मतलब मैंने दो चार जवाब दिए थे, उन्होंने अगला सवाल मेरे से पूछा कि व्हाट इज बेरिंग रिफ्लेक्स फिनोमेना ऑफ द बॉल एंड केज वैल्व. तो वो सारा बॉल एंड केज वैल्व टाइप से, और वो मुझे तसल्ली कही उन्होंने फिर काफी. तो दैट इज व्हाई बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मुंह से निकाले ना वर्ड डिफरेंशियल साइनोसिस का, या इस तरह के वर्ड्स जो आपको आगे तंग करेंगे. वैसे आप पढ़ लें तो इतना कोई बात, आई हैव एक्चुअली नो आइडिया अबाउट दैट थिंग, तो मैं गलत बताने की जरूरत नहीं है इसमें. ठीक, बिल्कुल सही बात है. वी कैन टेक अ लुक एट इट. आमतौर पर जो मैंने पैटर्न देखा वो देखा है कि जब उन्हें लग रहा होता है ना कि आप ऑप्टिमम नहीं जा रहे, तो उन्होंने फिर एक पूल रखा होता है जिसके ऊपर वो आपको बिल्कुल ही गिरा देते हैं. दे एक्चुअली मेक यू रियलाइज के ये दे मेक यू रियलाइज के बेटा आपको वाकई नहीं आता, एंड यू नीड टू एग्जैक्टली वो तसल्ली करा. इसे मैं कहता हूँ कि 5 नंबर के लेने जब आप जाएंगे ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे. आप हमेशा आप रखेंगे मैंने 2 नंबर गिफ्ट कर देने के लिए, उनको ले ले मुझे आता भी है तो नहीं करना ऐसे. एग्जैक्टली आई एग्री विद यू. पास नहीं होने जाना इंशाल्लाह. बस मेरी सबसे एक लास्ट बात ये थी कि आप इस मूड से जाएं कि मैंने वहां पर पास होने नहीं जाना, मैंने फेल नहीं होना. इस कॉन्सेप्ट तक जाएं कि मैंने पास नहीं होना. मैंने बड़ा फर्क है दो बातों कि मैंने फेल नहीं होना, मतलब ब्लॉक करना है मैंने सब कुछ, जहां मुझे चांस मिला मैं निकल आना, बजाय इसके मैं अटैक मोड में हूं. दैट इज द थ्योरी, उसके साथ चले मैं इंशाल्लाह. बोलो एग्री बिल्कुल. डॉक्टर फहीमुल हसन कह रहे हैं जी सर काइंडली अरेंज अ प्रेजेंटेशन ऑन डिवाइसेस पीपीएम सीआरटी एसरी. अच्छा डॉक्टर फहीमुल हसन, बात ये है कि एफसीपीएस कार्डियोलॉजी के लेवल के ऊपर डिवाइसेस में इतना डीप जाते नहीं होते. जस्ट एक्सरे पे बस का टॉक्स पे रखे होता है सीआरटी आईसीडी की पहचान और उसके क्लास 1 इंडिकेशन, या उससे रिलेटेड एक दो सवाल तो पूछ लेते हैं. और लाहौर में तो खास तौर पे रख लेते हैं सिंकोपी का केस, तो उसके अंदर पेस मेकर बाज का लगा होता है पेस मेकर तक. सी आर टी आई सी डी का केस आमतौर पर ही रखते हैं जो मेरा नॉलेज है. तो पेस मेकर भी अगर रखते हैं तो पेस मेकर के अंदर भी बहुत कुछ डीप है वो आपसे नहीं लेते. और जितना टपोल में लिखा हुआ है जो पेसिंग से रिलेटेड चैप्टर है, और कुछ चीज़ें जैसे ओवर सेंसिंग क्या होती है, अंडर सेंसिंग क्या होती है, लॉस ऑफ कैप्चर क्या होता है, ये वो चीज़ें जो आपने एमरजेंसी में काम किया हुआ आपको एक्चुअली आती होती हैं. All you need to do कि उसको थोड़ा रिफाइन करके याद करना होता है. तो ये चीज़ें बड़ी थोड़ी सी हैं, इनके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन मुझे बनाने की जरूरत नहीं है.
मोटी मोटी चीजें पूछते हैं आपसे, कभी भी डीपली पूछेंगे, क्योंकि मैं वो कहता हूँ अगर आपसे सब कुछ पूछेंगे तो फिर मैं तो इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने एग्जाम दिया, मुझसे क्या पूछेंगे, मुझे टेंशन शुरू हो जाएगी कि मैं उससे पूछने वाली बातें तो आपसे पूछे, फिर मुझसे पता नहीं क्या पूछेंगे, मेरा क्या बनेगा। तो ये चीज है, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ठीक है, आईसीडी में थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं और एंटी टैकीकार्डिया पेसिंग क्या होती है, बर्स्ट पेसिंग क्या होती है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन इस तरह की चीजें पढ़ लें। हाई फाई वो ना आपसे पूछेंगे, हाई फाई पूछने में आपको सवाल का जवाब नहीं भी आता तो कोई आपको फेल नहीं करने लगा। फेल और पास जैसे डॉक्टर तैमूर ने कहा, वो छोटी छोटी जो शुरू की बेसिक बातें हैं ना, वहीं पर आप वही आपका एक्चुअली छक्का है। आप वहीं पर अगर अच्छा परफॉर्म करके लॉन्ग केस में हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे और शॉर्ट केस के अंदर आपका इंस्पेक्शन और शुरू के जो दो तीन मिनट्स आपने अगर अच्छे बता दिए और अपने डायग्नोसिस को डिफेंड कर लिया, उसके बाद फिर एज द टाइम गोज ऑन वो फिर अगर आप अच्छे सवालों के जवाब दे रहे हैं तो फिर वो अपना जो एग्जाम का क्वेश्चन है उनका वो थोड़ा सा टफ करते जाते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा किस लेवल तक जाता है। पास वो कर चुके होते हैं फिर वो देख रहे होते हैं कि यार ये कहाँ तक उनको मजा आता है आपसे बात करने का, तो उस लेवल पे पहुंच कर अगर आपका कोई क्वेश्चन लूज भी हो रहा है डजंट मीन कि वो आपको फेल करने वाले हैं, वो ऑलरेडी शुरू में ही डिसाइड कर चुके होते हैं, जैसे डॉक्टर तैमूर ने कहा कि यार ये सही जा रहा है या ये सही नहीं जा रहा है, उन्होंने एक ऑप्टिमम लेवल देखना होता है अगर आप वहाँ तक, क्योंकि आप 100% तो कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए पासिंग परसेंटेज भी 60% 65% 70% होती है पूरी दुनिया के अंदर, 100% तो कोई भी नहीं होता। तो ये चीज़ है, लेट्स सी इफ आई कैन मैनेज आवर प्रेजेंटेशन और डिवाइसेस, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया आपने करना क्या। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन, और मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ डॉक्टर तैमूर को, कोई भी बात स्टिल इफ ही वॉन्ट्स टू से टू आवर पार्टिसिपेंट्स, या किसी बात का वो मजीद एंडोर्स करना चाहें तो प्लीज गो अहेड तैमूर। ओके, अच्छा एक जो लास्ट सिर्फ बात रह गई थी, ये T20 टाइप का माहौल है शॉर्ट केस में, अगर आपका एक उड़ गया तो आप पैनिक हो जाते हो बिल्कुल, मैं फिर से फोकस करूंगा, आपको दो टफ एग्जामिनर नहीं टकरेंगे, एक ही होगा, ये पक्की सेटिंग होती है उनकी कि एक ही होगा, मैं अब नाम नहीं सोचा लेता, मोस्ट ऑफ द सब लोगों को पता ही है ना, बाकी मैं नाम नहीं लेता, जो दो यूजली नहीं होंगे, एक से ही आपका टाकरा पड़ेगा, उसके साथ हमेशा एक अच्छा बंदा बैठा होगा, तो जब भी आप पैनिक हो रहे हैं हमेशा जूनियर एग्जामिनर पर नजर मार लें, अगर उसका चेहरा उतरा हुआ तो फिर तो पैनिक होगा, वरना वो 99% आपको जरूर मोटिवेट कर रहे होंगे, अपना हेड नॉट कर रहे होंगे तो शाबाश आप सही बोल रहे हो, या वो कोई ऐसा सवाल बीच में पूछ लेंगे कि आप उसके अच्छा जवाब देंगे तो वो हो जाएगा, तो डू नॉट पैनिक, हर जगह पे एक ना एक पॉइंट है, और एक सेशन अगर खराब हो भी गया आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनर एक टफ था, आगे मेरे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, तो बेस्ट ऑफ लक, रिलैक्स होकर जाए और नफल पढ़ के जाए इंशाल्लाह। ये बातें जो है ना ये अपने पल्ले बांध लें जितने भी लोग सुन रहे हैं, और आगे भी ट्रांसमिट करें, जो नहीं सुन पाए उन तक पहुंचा दें, सारी बातें बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं डॉक्टर तैमूर ने आज सारी की सारी, और अगर आपका शॉर्ट केस आता है तो आपको ये सारी बातें याद आएंगी, ये आज का जो वेबिनार है हमारी आज की जो डिस्कशन ये सारी आपको याद आएगी, इससे बाहर नहीं होगा, आई कैन गारंटी यू। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर तैमूर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, और अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, और आप ऐसे ही जो है ना वो यू आर द राइजिंग स्टार ऑफ आवर कार्डियोलॉजी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर प्रोफेसर जुबैर साहब बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर विद अस फॉर द पार्टिसिपेंट्स, एंड स्पेशल थैंक्स टू हाई मून फार्मा फॉर प्रोवाइडिंग अस द लिंक। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वेबिनार विद अ न्यू केस एंड अ न्यू प्रेजेंटर, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। Thank you and Allah Hafiz.